अभी ठहरे हमारे विमान व्यवस्था के घनश्याम काकाणी जी से उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। घनश्याम काकाणी लिस्ट में आ गया नाम और एक बहुत ही नाम फाइनल हो गया। तो शंकर लालवानी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि बीजेपी आलाकमान ने उन्हें फिर इंदौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। मीडिया से कह रहे हैं कि लिस्ट फेक तो नहीं है। दरअसल बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जैसे ही जारी की वैसे ही हर कोई इंदौर लोकसभा सीट को लेकर हैरान रह गया। माना जा रहा था कि इस सीट पर इस बार आलाकमान बदलाव जरूर करेगा, लेकिन बीजेपी ने दोबारा वर्तमान सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया और उन्हें ही टिकट दिया। लेकिन शंकर लालवानी को तब पता चला, उन्हें दोबारा मैदान में आलाकमान ने उतारा जब वे लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जब मीडिया ने उन्हें बताया कि आपके नाम की घोषणा हो चुकी है, तब उन्होंने मोबाइल पर देखकर बोला कि लिस्ट फेक तो नहीं है। एक बार आप भी सुनिए शंकर लालवानी ने क्या कहा। अभी ठहरे हमारे विमान व्यवस्था के घनश्याम काकाणी जी से उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। घनश्याम काकाणी लिस्ट में आ गया नाम और एक बहुत ही नाम फाइनल हो गया। बता दें कि बीजेपी ने दूसरी बार शंकर लालवानी को इंदौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सियासी हलकों में इसलिए भी इस सीट की चर्चाएं ज़्यादा हो रही थी क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने किसी केंद्रीय मंत्री को इंदौर से चुनाव लड़ने की बात का इशारा दिया था। हालांकि बीते दिनों उन्होंने ये भी कहा कि लालवानी जी ने इंदौर में बहुत विकास किया है। फिलहाल शंकर लालवानी इंदौर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इंदौर से ही धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक।